दूसरा, जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध जताते हुए वीर हनुमान मंदिर से सोमनाथ चौराहे होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देते हुए पुलिस से धक्का मुक्की भी करनी पड़ी। अलका सिंह गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार अपने किए हुए वादों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। दलित महिलाएं परेशान हैं। महिला अपराधों में राजस्थान नंबर एक पर है। भाजपा सरकार द्वारा किसानों को जो अनुदान दिया जा रहा था उसको मौजूदा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। इस मौके पर राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह मुख्य वक्ता रही। जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी, महुआ से विधायक प्रत्याशी रहे राजेंद्र मीणा, लालसोट से प्रत्याशी रहे रामविलास मीणा, टीकम सिंह गुजर, भाजपा जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह, जिला प्रमुख प्रत्याशी रही नीलम गुजर, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रेला, सभी मंडल अध्यक्ष और हजारों कार्यकर्ता शामिल रहे। ओके सर। देखिए, राजस्थान की जनता, राजस्थान का हर वर्ग इतनी मांग कर रहा है, किसानों से जो वादे किए वो ये पूरे नहीं कर पाए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, जो सब्सिडी हमने दी थी वो भी खत्म कर दी, बेरोजगारों का जो हाल है वो आज अगर आपने समाचार पत्र पढ़ा हो उसमें ही देखा होगा कि ये जो भत्ता है वो तो दे नहीं पाए और जो भर्तियां थी वो भी ये नहीं पूरी कर पाए, कहीं पेपर लीक हो रहा है और आज बेरोजगार परेशान है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चुकी है कि आज महिला अपराध में राजस्थान नंबर वन हो चुकी है। कानून व्यवस्था का हाल खराब है, दलित परेशान है, महिलाएं परेशान है और आम जनता पूरी तौर पर मन बना चुकी है इस सरकार को गिराने का, क्योंकि जो पंचायत राज के चुनाव थे उसका भी इन्होंने खिचड़ी बना कर दी। तो आज आम जनता की समस्याओं को साथ लेकर आम जनताओं की भावना के अनुरूप इस सरकार को जगाने का प्रयास। 2023 के चुनाव के रूप में देख रहे हैं इसे लोग। 2023 के चुनाव तो जनता इंतजार कर रही है कि कब 2023 आए और कब इस सरकार का पतन हो, क्योंकि नैतिक रूप से, कानूनी रूप से कुछ भी काम ये सरकार कर नहीं पा रही है। ना इनकी नीति ठीक है, ना मंशा, ना नीयत, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और तुष्टिकरण की राजनीति। देखिए, नाम था महंगाई लेकिन उस पर कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा महंगाई अपने यहाँ पर है, वैट यहाँ है, बिजली की दरें बढ़ी हुई है, मंडी शुल्क है और हिंदू हिंदुत्व वो बताना चाहे जिसके परिवार का बैकग्राउंड आप देख लीजिए, जो जिसके परिवार में कोई हिंदू नहीं तो हिंदुत्व की परिभाषा बताए, इससे बड़ा मजा।